स्लोगन लिखा हुआ था, मत मांगायला नहीं मत मांडायला आलोय। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की सभा की, उन्होंने सीधा साधा यहाँ पे लोगों से मत मांगकर चले गए और अपना जो पॉलिटिकल वर्चस्व है वो यहाँ पर दिखाकर चले गए। और उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर में यहाँ पर जैसा लोगों के सामने कई मुद्दों को उन्होंने रखा है। सबसे पहला मुद्दा था उनका भ्रष्टाचार का। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की सबसे ज्वलंत समस्या यानी भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लोगों ने बोला है, क्या वे लोग भ्रष्टाचार से मुक्त है? आप लोगों को मालूम होगा पिछले कुछ महीनों पहले पूरे महाराष्ट्र के टोल टैक्स के खिलाफ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था कि जहाँ जहाँ पर भी टोल टैक्स है वहाँ पर, जैसा उन्होंने बगैर टोल दिए वहाँ पर आंदोलन किया, सड़कों पे उतरे और जबरन बगैर टोल टैक्स दिए लोगों को जाने के लिए आह्वान किया। और ये कई महीने तक ये आंदोलन चला, लेकिन ये एकाएक आंदोलन क्यों बंद हो गया? इसके पीछे कई लोगों की सोच ऐसी है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं टोल टैक्स की जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं इनका नेगोशिएशन हुआ है और लोगों की नज़रें इसके बारे में जो सोचते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू हम लोगों को आती है। क्योंकि आंदोलन खड़ा करना, दबाव बनाना और उसके बाद में आंदोलन एकदम खत्म कर देना, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जान सकता है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। और दूसरी बात, उन्होंने पुलिस के फेवर में यहाँ पर काफ़ी वक्तव्य दिया है। हम सभी को मालूम हो कि चाहे वो शिवसेना हो चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, इन लोगों ने कभी भी देश की कानून और व्यवस्था का आदर नहीं किया, देश की अखंडता का आदर नहीं किया, देश की राष्ट्रभाषा का कभी इन्होंने आदर नहीं किया। हमारा देश जैसा जो जाति वंश और प्रदेश और भाषा की सीमाओं पर बटे वाला है, लेकिन फिर भी एक रूप में है। लेकिन चाहे शिवसेना हो चाहे मनसे हो, इन्होंने कभी भी इस भावना को कभी माना नहीं और भाषावाद के आधार पर और प्रांतवाद के आधार पर इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी राजनीति की पैठ बनानी चाहिए। और तीसरा, उन्होंने आज यहाँ पर जैसा हमने पेपर में पढ़ा है कि सभी सड़ी गली पार्टियों को छोड़कर एक बहुत ही बेहतर विकल्प मैं हूँ, उन्होंने अपने आप को एक अच्छा विकल्प के रूप में पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकल्प बनने के बाद में भी देश में कौन सा परिवर्तन करना चाहेंगे, इसका खुलासा उन्होंने लोगों के सामने नहीं किया। जब विकल्प कहते हैं तो लोग विकल्प के रूप में तभी उनको चुनेंगे जब देश में कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा, किस आधार पर होगा? जाति और धर्म के आधार पर होगा या भ्रष्टाचार मुक्त भारत का होगा? लेकिन ऐसा कोई भी खुलासा उन्होंने अपनी मीटिंग में यहाँ पर नहीं किया। और उन्होंने यहाँ पर कई प्रकल्पों के बारे में डिटेल जानकारी उन्होंने लाई थी, भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी लाई थी, किसानों की समस्या के बारे में लाई थी, सोफिया और इंडिया बुल्फ के खिलाफ में उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर बोला है, प्रकल्प के बारे में बहुत सारा बोला है, लेकिन उन्होंने उसका डिटेल्स तो लाया है लेकिन उसका डायरेक्ट विरोध नहीं किया। ये हमने भी देखा है कि इसके पहले भी मनसे ने इन प्रकल्पों का सड़कों पर आकर डायरेक्ट विरोध कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने आंदोलन की बात कही है। अब हमको भी ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने टोल टैक्स के खिलाफ में आंदोलन की बात किया था और एक दबाव बनाया था, वैसे ही अब वो इंडिया बुल्फ और सोफिया के खिलाफ में दबाव बनाएंगे और उसके बाद में दबाव बनाने के बाद में फिर ये जो दबाव है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, लोगों का जो विश्वास है जो पहले से डगमगा चुका है, मनसे के ऐसे बर्ताव के कारण वो विश्वास और भी कहीं खंडित ना हो जाए, इस बात की हमें यहाँ पर चिंता होती है। लेकिन कैसा है, जो हमारे देश का जो युवा तरुण वर्ग है वो राजभाव ठाकरे की तरफ आकर्षित है और उसमें वो एक नई चेतना एक नई परिवर्तन की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन एक बेहतर होगा, एक नागरिक की हैसियत से हमारी ऐसी सोच है कि विकल्प के रूप में अगर वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि वे देश में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, युवकों के लिए क्या करना चाहते हैं और राजनीति को स्वच्छ और मलिन युक्त किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, इसका खुलासा उन लोगों ने यहाँ पर करना चाहिए। हमारा देश भाषा के आधार पर भले जैसा बटा होगा, हमारी सीमाएं भले बटी होगी, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, पंजाब सिखों का, मध्य प्रदेश यूपी हिंदी फाइटर्स का, और हमारा जो दक्षिण भारत है वो तमिल मलयालम इत्यादि भाषाओं में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा देश अखंड है और इसकी अखंडता को बनाए रखने की जवाबदारी हम सभी देशवासियों की है। हमारे देश में हमारे संविधान ने हम सभी को ये छूट दिया है कि हम अपने देश के किसी भी कोने में जाकर हम रहन बसर कर सकते हैं, हम नौकरी पा सकते हैं, हम कंपटीशन में लग सकते हैं। हमारे संविधान ने हम सभी लोगों को ये अधिकार दिया है, फिर चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो और किसी भी धर्म का हो।
और जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के द्वारा हमें दिया है उसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन चाहे वो शिवसेना हो चाहे मन से हो, बाला साहब ठाकरे ने भी जब शुरुआत में जब शिवसेना की स्थापना रखी तो उन्होंने मुंबई में नारा दिया था कि हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, और उसके बाद में उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ में आंदोलन किया, बाद में उत्तर भारतीयों के खिलाफ में आंदोलन किया, और उन्हें मालूम था कि इस आंदोलन के कारण ही लोगों में लोकप्रियता उन्होंने हासिल की। लेकिन उन्हीं के नक्शे के दम पर चलते हुए राज साहब ठाकरे भी आखिरी को वही पैतरा उन्होंने इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में मी मराठी का नारा देकर उन्होंने परप्रांतियों के खिलाफ में जिस प्रकार से जहर उगला, उत्तर भारतीयों के खिलाफ में जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, वे निश्चित रूप से एक शर्मिंदगी की बात है हमारे देश की अखंडता के लिए, एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और हम राज साहब ठाकरे से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वे युवाओं को एक अच्छी दिशा दें और उन्हें कहे कि अपनी काबिलियत के बल पर एक मराठी मानूस भी जाकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर भी कॉम्पिटिशन दे सकता है। आखिर को हमारे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है वो काबिलियत के आधार पर होती है। हमारा मराठी मानूस भी काबिलियत में कहीं पीछे नहीं है, तो वही कॉम्पिटिशन भी क्यों पीछे जाएगा। अगर कॉम्पिटिशन में अगर हम लोग भी अगर तगड़े हैं तो हम उत्तर भारतीय और बिहारी लोगों को भी हम तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम सक्षम रहेंगे तो नौकरियां हम लोगों के दरवाजे पर होगी। लेकिन सिर्फ बिहारी और यूपी होने के आधार पर उन लोगों को यहाँ पे भगा देना ये हमारे देश की अखंडता के लिए काफी घातक है। और इनकी करनियों के कारण जो महाराष्ट्रियन पर प्रांतों में जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जाता है, पंजाब में जाता है, हरियाणा में जाता है, तो निश्चित रूप से इनकी करतूतों का भुगतान उन्हें वहाँ पर करना पड़ता है। फिर जब वे लोग वहाँ पर ये महाराष्ट्र के आए हुए हैं, अगर उन लोगों के साथ में इस प्रकार की जोर जबरदस्ती करे, उन्हें मार मार कर भगाए, तो इसका जवाबदार कौन? इसका जवाब राज साहब ठाकरे को देना पड़ेगा, क्योंकि वे इस प्रकार से कर महाराष्ट्रवासियों को दूसरे प्रांतों में जाकर काम करने के लिए एक तकलीफ वाला काम कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट का काम कर रहे हैं। और मैं फिर विनती करना चाहूँगा कि राज साहब ठाकरे इस प्रकार की भाषा और प्राण के आधार पर राजनीति न करते हुए हमारे देश के युवक और युवतियों को रोजगार के आधार पर एक नई दिशा देने का अगर वे कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम सब लोग उनका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं सलीम भाई मीरावाले, मैं कांग्रेस नगर फैजलपुरा वार्ड का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र के दलित और माइनॉरिटी और ओबीसी के लिए काम करते आया हूँ। और मैं अपने काम करने के दौरान कभी भी भाषा, जाति और धर्म को न मानते हुए सिर्फ काम को मैंने महत्व दिया है। इसीलिए कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकः का महाफले शुभदाचलम, कर्म ही इंसान को महान बनाता है। और इसीलिए मैं अपने कर्मों के ऊपर में भरोसा रखता हूँ, मैं कभी जाति, भाषा और प्रांत के ऊपर में कभी नहीं गए। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी ऐसी कोशिश है कि लोगों के लिए सदैव काम करता जाऊँ, और लोगों का प्यार मुझे जिस प्रकार से मिलता आया है, मेरे कर्मों के द्वारा लोगों का प्यार मुझे हमेशा से मिलता आया है और मिलता रहेगा। धन्यवाद।